नमस्कार, ब्रश टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जय किशन सिंह एकलव्य। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए रोजाना करें योगाभ्यास। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के साथ अनावश्यक खानपान और पर्यावरण प्रदूषण की खराब हालत से छुटकारा पाने व स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास अत्यंत आवश्यक है। योगाभ्यास करने वालों का मानना है कि बढ़ती उम्र में भी अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो योगा ही सर्वोत्तम उपाय है। योग गुरुओं का मानना है कि 20 वर्ष की उम्र के आसपास अर्थात युवा अवस्था में हड्डियों में सबसे अधिक घनत्व होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है ये घनत्व कम होने लगता है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ मरीजों में हड्डियों की बोन डेंसिटी तेजी से कम होने लगती है और शरीर में जल्दी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता, नतीजा हड्डियां तेजी से कमजोर होने लगती हैं। तो योगाभ्यास के जरिए काफी हद तक ऐसी परेशानियों को बचाव किया जा सकता है। नतीजा हड्डियां तेजी से कमजोर होने लगती हैं तो योगाभ्यास के जरिए काफी हद तक ऐसी परेशानियों से बचाव किया जा सकता है। आइए मिलाते हैं ऐसे ही एक योगाभ्यास केंद्र से, जहां प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे में 105 योग क्रियाएं कराई जाती हैं, जिसमें शरीर का प्रत्येक अंग क्रियावान रहता है। योगाभ्यास केंद्र धोबई के सामने प्राचीन हनुमान मंदिर प्रांगण में निशुल्क सेवा योग गुरु श्री राधेश्याम गुप्ता जी की अगुवाई में कराया जाता है। करो योग, रहो निरोग। कुछ महत्वपूर्ण योग। तितली योगासन से मिलते हैं बहुत बड़े फायदे। योग गुरु श्री राधेश्याम गुप्ता जी बताते हैं, अगर शरीर में थकावट और कमजोरी जैसी समस्याएं बनी रहती हैं तो तितली योगासन को शुरू कर देना चाहिए। इससे बहुत जल्दी ही लाभ मिलेगा। कमजोर आँखों के लिए भी लाभकारी होता है योगासन। रक्त संचार भी सुदृढ़ होता है। योगाभ्यास में योग गुरु राधेश्याम गुप्ता, अशोक कुमार यादव दीवान, महेश वर्मा नेताजी, हरिओम शर्मा, रमेश चंद शर्मा, मोहित शर्मा शिक्षक, प्रमोद कुमार तिवारी, राम अवतार शर्मा, डॉक्टर समर्थ सिंह वर्मा, विजय राय, शंकर फौजी, ओपी शर्मा, मेक सिंह फौजी, गजेंद्र सिंह, शिवचरण लंबू दादा, अशोक कुमार, शांतिलाल गुप्ता, शिव प्रकाश सोनी, पप्पू यादव, राज किशोरी एडवोकेट, अनिल फौजी, योगेश तिवारी, दिनेश पांडे, अध्याय प्रताप सिंह शिक्षक, राज किशोर एडवोकेट आदि योगार्थी उपस्थित रहे। सर जी, आपका क्या नाम है और यहाँ क्या प्रोग्राम चलता है? मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता, मैं यहाँ पर योगा कार्यक्रम को संचालित करता हूँ। पूरी टीम बाह, बिजौली और जराट से यहाँ बहुत से लोग आते हैं, बहुत अच्छी तरह से सब योगा करते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। जी, आपका प्रोग्राम कब से चल रहा है? करीब 10 साल से चल रहा है। जी, सभी आप लोग योगा करने आते हैं? आप लोगों को कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? ये तो अमृत वर्षा योग की तरह समझो सा। इस योग से शरीर लोगों को क्या फायदा मिलते हैं? शारीरिक लाभ बहुत कुछ मिल रहा है। यहाँ पर ये सोच लीजिए, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो उसका निदान होता है। किसी प्रकार का कोई भी कैसी भी रोग की समस्या हो, सारे रोगों का निवारण होता है। ये करो निरोग रहो, करो योग, रहो निरोग। ठीक, धन्यवाद। श्याम की राम घर घर साग की घर खाते।